साइबेरियन हस्की, ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो सबसे पुरानी और सबसे एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड में से एक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइबेरियन हस्की के प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ कि कितना है, और इसे घर में रखने में महीने में कितना खर्चा जाता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। अब एक बात ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता कि क्या ये ब्रीड इंडिया में सर्वाइव कर सकती है या नहीं, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स है dogtime.com से, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी डॉग से रिलेटेड वेबसाइट है। जितनी गर्मी एक जर्मन शेफर्ड सहन कर सकता है, सेम उतनी ही गर्मी एक हस्की भी सहन कर सकता है, और एक पग इन दोनों ब्रीड के मुकाबले में बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं कर सकता। तो अगर आप एक जर्मन शेफर्ड को रख सकते हैं इंडिया में, तो एक हस्की को भी रख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कमेंट मुझे नहीं दिखने चाहिए। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसका टाइटल है विच डॉग ब्रीड इज राइट फॉर मी, तो अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं साइबेरियन हस्की के कुछ बेसिक्स के बारे में। साइबेरियन हस्की एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 50 से 60 सेंटीमीटर और वेट 16 से 27 केजीज के बीच में होता है। लोग हस्की के लुक्स के बहुत बड़े फैन हैं। इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि ये एक ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड है। काफी सारे फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर इस ब्रीड को सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक हस्की के साथ रहना सबसे मुश्किल भी है? इस बात को ध्यान पे रखते हुए एक हस्की को अडॉप्ट करती बार सबसे क्यूट या फिर सबसे एक्टिव पपी मत चुनिए। एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है जिसका यूज करके आप एक परफेक्ट पपी चुन सकते हैं लिटर में से। तो अगर आप वो तरीका जानना चाहते हैं और वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। साइबेरियन हस्की दो एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, दैट इज एबिलिटी टू पुल एंड रन। आज तक जो मेन काम इस ब्रीड के द्वारा किया गया है वो है स्लेज पुलिंग, जिस स्लेज पे एक आदमी बैठा होता है और उसका सामान भी होता है। एक सिंगल टाइम में ये डॉग ब्रीड 50 से 60 किलोमीटर तक भाग लेती है बिना रुके। अब आपको इसकी एक्सरसाइज नीड समझ में आई? सिर्फ यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको इसकी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चाहे आपके पास एक बड़ा बैकयार्ड या फिर एक बड़ा गार्डन भी है, तब भी आपको कई किलोमीटर की वॉक इस ब्रीड को डेली करवानी पड़ती है और भी कई एक्टिविटी करवानी पड़ती है ताकि इसकी एक्सरसाइज हो और ये बैलेंस्ड रहे। साइबेरियन हस्की एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड भी है। हाई फिजिकल एनर्जी होने की वजह से आप इसे मुश्किल काम जैसे कि रनिंग, टग ऑफ वॉर या एजिलिटी में तो ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ओबीडियंस जैसे कि सिट डाउन, स्टे काम, हील, इन सब कामों में ये ब्रीड बहुत बुरी है। वो लोग जो एक डॉग पहली बार ले रहे हैं, साइबेरियन हस्की की तरफ देखना भी मत, और रीजन समझो कि क्यों। हर एक डॉग ब्रीड वुल्फ से निकल के आई है, लेकिन साइबेरियन हस्की को माना जाता है कि सबसे क्लोजेस्ट ब्रीड है वुल्फ के। इसकी वजह से इनकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। डॉग्स के ग्रुप में जो लीडर होता है वो सबको बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कहाँ जाना है। लेकिन जब एक हस्की हमारी दुनिया में आता है तो हम वो करते हैं जो उसे पसंद है, जो उसे चाहिए, और भूल जाते हैं जो एक्चुअल में चाहिए। वेल, हस्की उन ब्रीड में से नहीं है जो आपका ये बिहेवियर टॉलरेट करेगी। आपको अपने घर में लीडर बनना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी आप इस ब्रीड की दूसरी क्वालिटीज इंजॉय करेंगे, जैसे कि ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली डॉग है। वरना मेरा विश्वास करो कि आप इस ब्रीड को सबसे ज्यादा हेट करोगे। अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड साइबेरियन हस्की का प्राइस जानने से पहले 2 सेकंड निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास अभी एक डॉग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जो आपको गाइड करेगी हर स्टेप में कि आपको एक कैसे डॉग लेना है। साइबेरियन हस्की का प्राइस डिपेंड करता है कि आप उसे कहां से और किससे ले रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी लोकल पेट शॉप से ले रहे हैं तो हस्की का प्राइस स्टार्ट होगा 60,000 रुपीज से और वो जा सकता है 80,000 रुपीज तक। दूसरी तरफ अगर आप किसी ब्रीडर से ले रहे हैं तो साइबेरियन हस्की का प्राइस स्टार्ट होगा 90,000 रुपीज से और वो जा सकता है 1.5 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रीडर कितना रेप्यूटेड है, किस तरह की क्वालिटी वो आपको दे रहा है और किस जगह पे वो ब्रीडर सिचुएटेड है। अगर आपको जानना है कि इन जनरल आपको डॉग कहाँ से लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। साइबेरियन हस्की को अपने घरों में रखने में महीने में कितना खर्चा आ जाता है, ये बताने से पहले एक कमाल की स्टोरी सुनो इस ब्रीड की। 1925 में अलास्का में एक महामारी फैल गई थी, लेकिन जब उस बीमारी की दवाई बनी तो काफी सारे गाँव बर्फ से ढके हुए थे। उस टाइम पे कुछ आदमी और उनके डॉग्स, जिसमें से ज्यादातर डॉग हस्की थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि शहर से गांव तक दवाई पहुंचाने की। मुश्किल बर्फीले रास्तों की वजह से कई आदमी और उनके डॉग्स बीच में ही मर गए, जिसमें से वो डॉग भी था जो उन सबको गाइड कर रहा था कि किस तरफ जाना है। अब यह काम करने के लिए एक लेजेंडरी डॉग था बेल्टो, जो कि एक हस्की था, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ली और सबको गाइड करना शुरू किया। 5.5 दिन तक लगातार ट्रैवल करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे और लाखों बच्चों की जान बचाई, और बेल्टो सबसे बहादुर हस्की बना। जब हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो जो मेन खर्चा आपको करना होता है वो होता है खाने के ऊपर। साइबेरियन हस्की एक महीने में 20 किलो तक का डॉग फूड खा जाती है। अगर आप इसे स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देंगे तो आपको 3,000 रुपीज पर मंथ का खर्चा आएगा, और अगर आप इसे प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देंगे तो आपको 7,000 रुपीज का पर मंथ खर्चा आएगा।
वैक्सीनेशन की कॉस्ट पपीज के लिए थोड़ी सी ज्यादा रहती है क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंट वैक्सीनेशन चाहिए होता है। ऑन एवरेज अगर देखें तो 800 से 1500 तक का खर्चा आएगा पर मंथ। डिवॉर्मिंग की मेडिसिन कोई ज्यादा महंगी नहीं होती तो आप 100 रुपीज पर शेड्यूल खर्च सकते हैं। हस्की को ग्रूम करना बच्चों का काम नहीं है तो आप 1000 से 2000 रुपीज खर्च सकते हैं ग्रूमिंग में, जो इंक्लूड करेगी शैम्पूज, ब्रशेज, नेल क्लिपर्स और ऑब्वियसली आपकी मेहनत भी। ऑन एवरेज अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करें एक साइबेरियन हस्की को इंडिया में रखने का तो वो होगा 5000 रुपीस अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो वो होगा 9000 रुपीस। यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये एक एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है। लीश, कॉलर, बोल्स, टॉयज, क्लोथ्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हर महीने नहीं लेते, तो मैंने इनकी प्राइस यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है। यहाँ पे एक बड़ी वन टाइम कॉस्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइबेरियन हस्की आगे जाके बच्चे पैदा ना करे या इन जनरल हीट पे ना आए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो आप स्पे एंड न्यूटर की सर्जरी करवाते हो। इस सर्जरी की कॉस्ट स्टार्ट होती है 4000 रुपीज से और जा सकती है 12000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको जानना है कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक कर दो।